सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। होती जीत सत्य की और असत्य की हार, यही संदेश देता है दशहरे का त्योहार। उठो प्रत्येक नए दिन में उज्जवल अवसर देखने के लिए, नए सिरे से शुरू करो। यह मुमकिन ही नहीं कि सब तुम्हें प्यार करे। उस रंगीन चिड़िया की तरफ देखो जो कि किसी का मन मोहती है और ठीक उसी वक्त एक दूसरा देखता है उसे शिकार की तरह। हो आपके लाइफ में खुशियों का मेला, कभी न आए कोई झमेला। सदा सुखी रही आपका बसेरा, विश यू हैप्पी दशहरा। आज का पंचांग 25 अक्टूबर 2020, दिन रविवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, सुबह 7:42 तक रहेगी। इसके उपरांत 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 4:23 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 4:24 से 5:49 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर दोपहर 3:26 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। कन्या राशि 25 अक्टूबर 2020, दिन रविवार, आज के दिन मौज मस्ती के नाम रहेगा। आज सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है, फोन या मेल के द्वारा भी संपर्क हो सकता है। वर्तमान समय अपने सामाजिक कौशलों को निखारने तथा आने वाली पार्टियों के लिए खुद को तैयार करने का बिल्कुल सही समय है। दिन के आगे बढ़ने के साथ साथ वित्तीय परेशानियां अपने आप दूर होते जाएगी। आज का ग्रह गोचर आपके लिए लाभदायक व खुशी भरी परिस्थितियां बना रहा है, इसलिए एकाग्रचित होकर अपने कार्यों पर ध्यान दें तथा आलस को हावी न होने दें। आर्थिक स्थिति अब बेहतर होना शुरू हो रही है। करियर में बदलाव लाने का आपका विचार आज निश्चित हो सकता है। काम से जुड़े अलग अलग विचारों की वजह से मन में तनाव रहेगा। किसी एक बात पर पूरी तरह से फोकस कर पाना आज आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन थोड़ी प्रयास से आप काम में और विचारों में डिसिप्लिन ला सकते हैं। नौकरी करने वालों का काम से मन उब सकता है। पार्टनर की मर्जी बनाए रखने के लिए आपके द्वारा लिए निर्णय और जटिल प्रश्न बना सकते हैं। सावधानियां, घर में बच्चों के दोस्तों व उनकी गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि उनके किसी गलत रास्ते पर जाने की आशंका लग रही है। परंतु डांट फटकार की बजाय समझदारी और शांति से काम लें, इससे परिस्थितियां जल्दी ही सामान्य हो जाएगी। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार के साथ मनोरंजन व आमोद प्रमोद संबंधित कार्यों में भी समय व्यतीत होगा, जिससे आपसे संबंधों में मधुरता रहेगी। ग्रहों की स्थिति आपकी लव लाइफ के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर मजे करना ना भूलें। आप जहां सोच भी नहीं सकते ऐसे किसी जगह पर आपके लिए डेटिंग और संबंध बनाने का मौका मिल सकता है, इसीलिए आपको अब सभी से मिलने जुलने की जरूरत है। यह समय उस पिछले संबंध को भी आगे बढ़ाने के लिए सही है जिसके बारे में आपके दिमाग में काफी संदेह थे। बात करते हैं करियर की। आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए थोड़ा रुकने की जरूरत है,
एवं आपको कुछ समय निकालने की जरूरत है ताकि आप अपने अतीत अनुभवों पर विचार कर सकें। आप अपने अतीत का मूल्यांकन करें कि किस चीज को आपको बदलने की जरूरत है और किस चीज को ग्रहण करने की जरूरत है ताकि आप अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकें। आपको अपने खुद की क्षमताओं से न्याय करने की भी आवश्यकता होगी कि आपको उसी राह पर चलना है जिस पर आप लंबे समय से चल रहे थे। व्यवसायिक गतिविधियां कुछ बेहतर होना शुरू हो रही है। प्रगति के महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे, परंतु नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी अपने काम के प्रति अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। बात करते हैं सेहत की। अपनी सेहत के साथ साथ उन सब लोगों की सेहत की भी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है जो आपके ऊपर निर्भर है। इससे आपको कुल मिलाकर बहुत फायदा होगा और आपको इसके परिणामों पर गर्व होगा। आपको और आपके करीबियों जिनके आपने जिम्मेदारी ली हुई है सबका फिटनेस लेवल बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षित करने का मौका भी मिल सकता है। आज का उपाय, आज आप 10 दीपक जलाएं और 10 वस्तुओं का दान करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।